पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल आज आए हैं जो मदाना खुर्द गांव है, जज्जर क्षेत्र के अंदर। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ, एक बहुत बड़े पूरे संपन्न परिवार से नरेश, वो पहले अपने बीवी और बच्चों की हत्या कर देता है और बाद में सुसाइड कर लेता है। ये गाँव वाले हैं, बहुत ही सदमे में हैं। वहाँ हम नहीं दिखा सकते क्योंकि माहौल बहुत ही गमगीन है। ये चाचे ताऊ हैं, गाम राम है सबका, घर जाकर बिल्कुल नहीं देखे जाना। बिल्कुल सही बात कहा, अभी आए हैं। राम राम ताऊ जी। राम राम। बहुत ही घर में कोई किसी कमी नहीं थी, किसी चीज का किसी तरह से पेटा नहीं भरता। क्या कमी थी पता नहीं, कैसे क्या हादसा कैसे हुआ ये। अच्छा, जो बीवी और बच्चे हैं उनकी किस तरह हत्या करी गई पता नहीं। ये बता रहे हैं कि वहाँ से ये 3:30 बजे यहाँ आया तो देखा अपने भाई के पास चला गया था, वहाँ भी कोई जिक्र नहीं करया तो देखा। तो आप देख सकते हो ये जो काउंटर गया है, ये अंतिम जो डेड बॉडी आई थी वो इसके अंदर आई हुई थी। तो क्या कारण रहे अंकल, कैसे वार किया गया है पता ही नहीं किसी चीज़ का। कैसे कैसे क्या क्या खिलाया, क्या कैसे मारे या क्या न्याय होया नहीं, ये नहीं अभी तक पता चला कि किस चीज़ का वार गया। नहीं नहीं, कोई पता नहीं चला, नहीं कोई पता नहीं चला। कोई नशे का पदार्थ खुआ रखा था उनको, क्या किया था कुछ नहीं। अच्छा, किसी आस पड़ोस वाला ने भी किसी को ही पता ही नहीं था, किसी को नहीं पता था। कोई नशा नहीं, कोई पता नहीं, कोई ऐब नहीं, कोई लड़ाई नहीं, दंगा नहीं, कोई किसी से मतलब नहीं था ज्यादा। किसी को ना लेना देना था, बड़ा पूरा परिवार था। पूरा भरा परिवार था, पैसे भी थे कहीं दे रखे थे। उन्हें अपने भाई से जाकर रोज तक से बताया, बोला भाई उनसे पैसे ले लेना, उनसे बातें भी करवाई। तो फिर बोला भाई मैं पैसे क्यों, तुमसे रह तू ले लिए। बोला नहीं ले लिए, कोई बात नहीं। उनसे बात भी हुई, वो फिर वहाँ से ये 2:30 बजे घर आ गया यहाँ के रात को। फिर उसका भाई भी साथ साथ, उन्हें एक पड़ोस से फ़ोन किया, बोला भाई उसको देखना आ गया नहीं आ गया। फ़ोन भी किया तो फ़ोन भी नहीं उठा लिया, तक मैं घर पहुँच गया। बोला ठीक है, तो साथ में वो भी वहाँ से आ लिए। तो अंदर बढ़ के एक भाई से बोले मैं अंदर एक बार अपनी मिसेज कोई काम का हूँ, उठ लेगी सानी के कुछ भी कर ले। तो अंदर बढ़िया तो निकलिया ही नहीं, वो दूसरा इंतजाम खड़े रहा कि भाई बर्न लिकड़े, वो लिकड़े ही नहीं। इतने उसका भाई आ गया, वो आवाज़ दी नहीं, बोलिया अंदर जा, गेट कूद कर, एक गेट कूदा दूसरा गेट कूदा, जाकर देखा कवाड़ धक्का कम मारे, कवाड़ खोले तो फांसी लटक रहा था। जब वो फांसी से उतारा तो जब देखा तो अंदर भी फिर और हादसे पड़े थे। तो अच्छा, जो वाइफ और बेटी की है वो हत्या थोड़ा बहुत पता हो कैसे की गई है बेटी की, पता ही नहीं। पता ही नहीं, तो मतलब देखो गांव वाले की एक तो सबसे बड़ी बात यह है, पूरा घर का यूँ कह लिए कि पूरा नाश हो गया है। कहना नहीं चाहते लेकिन क्या करा। दूसरा, आस पड़ोस वाले भी ये कहें कि कोई रुका रोला नहीं सुनिया है। ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि आत्महत्या करनी पड़े या परिवार की जान लेनी पड़े है। बताना चाहूँ किस प्रकार का व्यक्ति था भाई जी? एक नंबर का मान था, ना बीड़ी की आदत, दारू की आदत, कोई आदत नहीं थी, कोई नशा नहीं था। नहीं जी, किसी के साथ में बैठना उठना कोई वो नहीं था, अच्छा व्यवहार था जी। अच्छा व्यवहार था। जो बच्चे थे वो कितने बड़े थे? लगभग लड़का 14 साल का, लड़की 16 साल की, मतलब पढ़ेगा में। हाँ, चार तेरे। परिवार कैसा था? परिवार बढ़िया परिवार था। कोई पैसा दे, कोई पैसा दे लगी दिक्कत भाई? ना ना, पहले कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। तीन भाई है जी, बड़ा जी वो SDO है जी, एक्शन हो नहीं पता, और एक इससे बड़े तो छोटा है, हरियाणा पुलिस में रोते भी जी। तो आप देख सको हो या बात तो सिरात है, खारिज है कि कोई भी परिवार में आर्थिक तंगी होगी। बिल्कुल संपन्न परिवार था और बड़े बड़े ऑफिसर इस परिवार में हैं। जमीन जायदाद भी? हाँ जी, 6 किले हैं जी। तो भाई अपने यो ही बोया करता जी, वहाँ बाहर नौकरी कराया है जी, यो भी कंपनी में नौकरी कराया था। जो वीर मर्द का रिश्ता हुआ है। हाँ जी, सबसे बड़ा वो। हाँ, उनके आपस में कैसे तालमेल जी? वो अच्छा था जी, वो कति। हाँ जी, कोई किसी चीज की हमने तो कदे सुनी नहीं, जहाँ पड़ोसी। हाँ जी, हाँ जी, आज तक न्यू नहीं सुनी हमने भाई। आज ये आपका ये घर, ये देखो ये है, ये भाई बोल रहे हैं जो इनका घर है, और जो नरेश कुमार है बहुत ही अच्छा व्यवहार बता रहे हैं, कोई किसी के साथ मनोमुटाव नहीं। सबसे बड़ी बात यह है पैसा दे लगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा क्या कारण रहा है कि पूरा ही परिवार खत्म होया? क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है वो ये है कि पहले इन्होंने बीवी बच्चों की हत्या करी है, फिर इसने आत्महत्या करी है फंदा लगाकर। थोड़ा बहुत जानकारी हो भाई, कोई रोला रबदा या कुछ भी? हमने कभी तो नहीं सुनी उसके मुंह, कुछ भी नहीं बोलने वाला नहीं था जी, बोलने वाला नहीं। अच्छा भाई, जो भी सुबह पता लगा हमने बताया। अच्छा, सुबह कब की है ये वारदात, कब हुई है? ये तीन बीवी और बच्चों का रात की बता रहे हैं, रात की बता रहे हैं। और ये इसने सुबह
साढ़े तीन या चार पौने चार बजे सुसाइड किया है। वहाँ से रोहतक अपने भाई के पास गया है, तीन चार घंटे वहाँ रुका है, उनसे लेन देन के बारे में बातें की हैं, और फिर आके यो उसने गांव के सरपंच द्वारा फोन कर दिया अपने डिप्रेशन में भाई आत्महत्या ना कर ली। आप सोच देख लो एक बार। हाँ वो इतना वाड़ा आया, इतनी हल्ला, यो बोला सरपंच ये इस गली के अंदर आके बोला पेशाब करे, मैं घर तो बताया हूँ, पांच मिनट रुक, इतनी अनुमत गया था, इतनी अनुमत सरपंच उल्टा आया, इतना उसका भाई भी आ लिया, उसकी भाभी भी आ ली, और इतनी अनुमत सुसाइड कर लिया उसने। फिर ये डोली खुद गए, कुड़ कुड़ तोड़े हैं, फिर टाइम लग गया उसमें। अच्छा आप आस पड़ोस में हो, देखो भाई वैसे तो आजकल किसी का घर कानी बेरा लगता है, लेकिन कोई आवाज किस तरह तक कर या बच्चे बीवी की पता ही ना लगे, इससे अभी तक भी कोई खुलासा नहीं हुआ, कोई खुलासा ना जी ना कोई खुलासा। तो अभी तक देखो ये कह कर है बंद कमरा में जो बात हुआ भाई है बंद घर की बात है, या किसी ने भी पता नहीं है कि किस प्रकार हत्या हुई है बच्चों की, और आत्महत्या का तो इसका पता है कि इसने फंदा लगाया है, क्योंकि वो तो सरपंच साहब भी आए थे मौका पर, और जो बड़ा भाई था इनका वो भी आया था। बाकी सोचने वाली बात ये है कि किसी भी प्रकार की पैसे दिल की कोई दिक्कत वाली नहीं बात थी, संपन्न परिवार था, आर्थिक तंगी कोई नहीं थी, भाई हैं उन गले भी कोई लेना देना नहीं था, बल्कि भाई वाली जमीन भी गाँव राम में यही थी, ये खुद खेती बाड़ी करे करता, क्योंकि अपना गाँव समाज में ये हुआ कि भाई नौकरी लग रहा तो वो अपना भाई तो दे दे कर, ये बड़प्पन माना जावा है। तो ऐसा क्या कारण रहा है कि ये इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा है, उसकी भी अगर खुलासा हुआ तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। फिलहाल जो डेड बॉडी हैं उनका पोस्टमार्टम जो है हो चुका है, जज्जर से वो आ चुकी हैं, अभी तक इतनी अपडेट है। आप देखो ये देखो डेड बॉडी हैं जो आ चुकी हैं, बाकी गाँव वाले ने कोई पता नहीं है कि किस प्रकार हत्या हुई है, ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ किस चीज़ से वार किया गया है बीवी बच्चों के ऊपर। हाँ इसका ज़रूर पता है कि इसने आत्महत्या फंदा लगा कर की गई है। डेड बॉडी आप देख सकते हो अभी आई है, पूरा ही गांव सदमा में है, भाईचारा में कोई किसी गला कोई रोला रबदा नहीं, लेन देन नहीं था, बिल्कुल अच्छी अपडेट थी। आप देख भी सको हो कि किस प्रकार दुख है लोगों में, यहाँ सारे एकत्रित हुए हैं। फिलहाल जो डेड बॉडीज़ हैं वो आ चुकी हैं, अभी तक इतनी अपडेट है, बाकी आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जय हिंद।